हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर विद पीके पर। मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टैटिक जीके की पहली क्लास में। आज हम देखेंगे जो हमारे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं और उनके जो नर्तक हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी को आज हम देखेंगे। मैंने उन सभी नामों को लेने की कोशिश की है जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें ताकि जो हमारे आपकी फैमिली है वो बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो क्या है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे उनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी संख्या हमारी कुल कितनी है, इनकी संख्या कुल 8 है। जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है इसका वर्णन भरत मुनि का एक शास्त्र है, एक नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का एक जो लिखा हुआ एक ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। इसका लेखक आपको याद रखना है, इसके लेखक कौन है, भरत मुनि इसके लेखक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है उनमें से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है वह यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है दोस्तों, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो हमारा नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र जिसके लेखक कौन है, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम। इसके बाद अगला पॉइंट है जो हमारे जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य यदि आपसे पूछा जाता है नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो उसके बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे नया हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो है सत्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है। जो हमारा सत्रिया है उसको वर्ष 2000 जो हमारा शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है ये किस राज्य का है, आपको याद रखना है ये असम राज्य का है। ठीक है दोस्तों, सत्रिय आपको याद रखना है, सत्रिय ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और इसे जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था वो कब मिला था, सन 2000 में ये शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो हमारे लोक नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य हम देख रहे हैं लेकिन आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो हमारे लोक नृत्य होते हैं वो एक राज्य में कई होते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो एक राज्य का एक ही है, लेकिन जो हमारे केरल राज्य में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको याद रखना है केरल में दो हमारे शास्त्रीय नृत्य, एक तो कौन सा है, केरल का है हमारा मोहिनीअट्टम, ठीक है, और केरल का हमारा कुचिपू, केरल का है कथकली। यानी कि हमारे जो दो शास्त्रीय नृत्य हैं ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारे केरल से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 होती है, जिसमें पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है मोहिनीअट्टम, तीसरा है कथक, चौथा है ओडिसी, पाँचवा है मणिपुरी, और छठा है हमारा कुचिपुड़ी, और सातवां है सत्रिया, और आठवां है कथकली। ये देख लेते हैं कि किस स्टेट का कौन सा हमारा शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में आपको क्या याद रखना है, भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है, भरतनाट्यम हमारा केरल का है, केरल राज्य का है। और जो हमारा मोहिनीअट्टम में आपको क्या याद रखना है, ये हमारा कहाँ का, नहीं सॉरी दोस्तों, भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है, ये भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है। सबसे पुराना है शास्त्रीय नृत्य है, इसका पुराना नाम आपको याद रखना है, इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, सादिर इसका पुराना नाम है, पहले इसको सादिर नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं हमारा मोहिनीअट्टम यह कि कहाँ का है, ये केरल राज्य का है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कथक कहाँ का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं ओडिसी ये ओडिशा राज्य का है, ओडिसी से आप ओडिशा याद रखें। मणिपुरी हमारा मणिपुर राज्य का है, और जो हमारा कुचिपुड़ी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश
ऊँची पूड़ी आप कैसे याद रखेंगे, जो अंधा होते हैं उसको आपने क्या खिला दी, कच्ची पूड़ी, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा जो सत्रिया है, सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया आपको याद रखना है असम राज्य का, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया। और कथकली आपको याद रखना है, कथकली हमारा किस किस राज्य का है, यह केरल राज्य का, कथकली हमारा केरल राज्य का है। अब हम देखते हैं जो हमारा शास्त्रीय नृत्य पहला हम देख लेते हैं, जो हमारे भरतनाट्यम है उसके बारे में आगे की जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के जो हमारे नर्तक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको नर्तक में याद रखना है आपको यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति इसके जो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है उसके ये नर्तक हैं। दूसरा आपको सोनल मानसिंह, तीसरा रुक्मणी देवी अरुणडेल, और चौथा है लीला सैमसन, पांचवा है मृणालिनी साराभाई, और छठा है वैजयंती माला। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति में आपको क्या याद रखना है, इनकी जो आत्मकथा है, इनकी जो आत्मकथा है उसको आप याद रखना है। इसकी आत्मकथा का नाम क्या है, ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर डांस। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें ये जो रुक्मणी यामिनी कृष्णमूर्ति है ये बेसिकली दो शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म करती हैं। पहला तो ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, और दूसरा ये कौन सा नृत्य करती हैं, और दूसरा है ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। एक शास्त्रीय नृत्य एक से अधिक डांस परफॉर्म कर सकता है, उस वो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे जो इनको पुरस्कार जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को सबसे पहले अब हम देखेंगे पद्मश्री, पद्मश्री, पद्मश्री इनको 1968 में मिला। इसके बाद देखेंगे पद्मभूषण, पद्मभूषण इनको पद्मभूषण जो मिला है वो 2001 में, 2001 में इनको पद्मभूषण मिला। और पद्मविभूषण इनको कब मिला है, 2016 में। आपको यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित इतने फैक्ट याद रखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला, अगला हमारे है सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। सोनल मानसिंह से पहले आपको इससे सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है, वह है आपकी सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है दोस्तों। इसके बाद आपको अगला फैक्ट क्या याद रखना है, इसके बाद अगला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये भरतनाट्यम के साथ साथ ये कौन दूसरा कौन सा नृत्य परफॉर्म करती हैं शास्त्रीय नृत्य, वो है ओडिसी, ओडिसी। इसके बाद अगला आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि राज्यसभा संसद में 2018 में कला क्षेत्र से इनको संसद पे इनको राज्यसभा में नामित की गई, राज्यसभा सदस्य के रूप में 2018 में राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित की गई, सदस्य के रूप में नामित की गई। इसके बाद आपको इनके जो पुरस्कार इनको जो मिले हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले इनको जो पुरस्कार मिला है वो है, पहला आपको याद रखना है पद्म भूषण आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है पद्म विभूषण, इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो 1992 में मिला है, और जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 2003 में मिला है। इस सोनल मानसिंह से आपको इतने ही फैक्ट याद रखना है। इसके बाद अगला देखेंगे हम रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल से आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनको जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है ये पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई, ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ये और जो हमारी सोनल मानसिंह है वो राज्यसभा में कला क्षेत्र से नामित हुई, लेकिन जो हमारी पहली जो वह रुक्मणी देवी अरुणडेल ये पहली नर्तकी थी,
सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, राज्यसभा में कला क्षेत्र से नामित होने वाली पहली नर्तकी थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें इनकी जो मृत्यु हुई थी 1986 में हुई थी। इनको जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार इसको कब मिला है, 1956 में। आपको इतना फैक्ट याद रखना है। इसके बाद देखेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल को हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे जो लीला सैमसन है उसको हम देखेंगे, लीला सैमसन से जितने भी इम्पोर्टेंट वो फैक्ट है आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इनको जो पद्मश्री पुरस्कार इनको कब दिया गया, 1990 में दिया गया था। इसके बाद आपको क्या फैक्ट याद रखना है, इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया, वो है 1999 या किसी किसी को, अगर आप ऑप्शन में 1999 आता है तो 1999 लगाएंगे, अगर 2000 आता है तो 2000 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मृणाली सारना और साराभाई से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। मृणाली साराभाई से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इनको जो मृणाली साराभाई है वो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। कौन है वह, मृणाली साराभाई। इसके बाद आपको क्या फैक्ट याद रखना है, जो 11 मई 2018 गूगल डूडल ने इनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या याद रखना है, आपको इनको जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो इनको मिला था 1992 में। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे हम वैजयंती माला से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आप देखेंगे वैजयंती माला जो है दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इससे याद रखना है, क्या आपको याद रखना है, इनका जो जो बेसिकली किस राज्य से बिलोंग करती थी, वो बिलोंग करती थी तमिलनाडु राज्य से। आपको इससे इतना ही फैक्ट याद रखना है। अगली स्लाइड देखेंगे, अगले हैं टी बाला सरस्वती से आपको क्या याद रखना है, इनको जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो कब दिया गया था, 1997 इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और टी बाला सरस्वती से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना है आपको, है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जो सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्तचित्र बनाया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला है, 1957 में। इसके बाद आपको अगला है 8वां नंबर मालविका सरकार से आपको क्या याद रखना है, इनको सबसे पहले आपको कि इससे याद रखना है, जो पद्मश्री पुरस्कार इनको कब मिला, इनको 2003 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नामित किया गया। और इसके बाद आपको इस जो एक फैक्ट याद रखना है वो है, याद रखना है आपको, वर्ष 1995 में मालविका सरकार है उनको अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी 1995 में। आपको याद रखना है।
इसके बाद अगला पॉइंट आप नौवे नंबर देखेंगे, एम के सरोजा। एम के सरोजा से आपको क्या याद रखना है, इनको जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार इनको कब मिला है, पद्मश्री पुरस्कार इनको 2011 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आपको या दसवें नंबर देख लेते हैं, दसवें नंबर है बिश्वानु राम गोपाल। बिश्वानु राम गोपाल से आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, सबसे पहले इनको जो पुरस्कार मिला था वो याद रखना है, पुरस्कार आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड इनको मिला था 1999 कौन सा पुरस्कार, एम्पायर ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये कब मिला, 1999 इनको मिला था। इनकी जो पुस्तक है वो आपको याद रखना है, इनकी दो फेमस पुस्तक हैं, इंडियन डांसिंग और दूसरी कौन सी है, रिदम्स इन हेवन। आपको इतना याद रखना है। आने वाली वीडियो में मैं आपको जो अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी उसके बारे में बताऊंगा, उससे उनके जो शास्त्रीय नर्तक हैं उनके बारे में बताऊंगा, जितने भी उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आए होंगे उन सभी को मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक।